वहीं रामपुर में विवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां तीन युवकों ने पहले महिला का अश्लील वीडियो बनाया और वीडियो वायरल करते की धमकी देते हुए जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रामपुर का ही पूरा मामला है, जहां पर विवाहिता के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। दरअसल पहले महिला को ब्लैकमेल किया गया, उसका अश्लील वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया और धमकी दी है। पीड़िता ने पुलिस में इसकी तहरीर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। थाना स्वार क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना स्वार पर तहरीर सूचना दी गई कि बीती ईद त्यौहार के दो दिन बाद मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर उसकी पुत्री खेत में घास काटने गई थी, तो तीन व्यक्तियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इन व्यक्तियों के नाम एहसान अली पुत्र अफसर अली, फुरकान अली पुत्र नामे अली, आबिद अली पुत्र जाहिद अली, निवासीगण थाना क्षेत्र स्वार के रहने वाले हैं। पौड़ी हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड वेतनमान देने और आउटसोर्स के जरिए भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी कार्य बाधित रहेंगे। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से NHM से संबंधित सभी कार्य प्रभावित हो गए हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ कहे जाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी लंबे समय से दो सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। यह देखो, प्रभाव तो कोई भी अगर हमारा कर्मी कार्य बहिष्कार पे जाता है तो उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है निश्चित रूप से, लेकिन तब भी हम लोगों ने अपने स्तर पे जितने भी हमारे जया चिकित्सालय हैं, वहाँ जितने हमारे इंचार्ज हैं, चिकित्सा अधीक्षक हैं, उन सबको हमारे यहाँ से निर्देश जारी हो गए और पूर्व में उनको अवगत करा दिया गया था कि ये लोग कार्य बहिष्कार पे जा रहे हैं, और हम लोगों ने अपनी पूरी वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रखी है। जो हमारे अन्य कर्मी हैं वो दिन रात कार्य करेंगे, लेकिन जो है अपना जो भी इन लोगों द्वारा जो कार्य किया जाता था तो उसका कोई आम जनता पे प्रभाव ना पड़े। फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में हम लोगों ने काम किया है ना, पुरस्कार के बदले हमें तिरस्कार मिल रहा है। ना कोई सरकार में हमारी बात सुनने को तैयार है, ना कोई जो है हमारे जो मांगे हैं उनको सुनने को तैयार है। तो हमारी मांगे बहुत बड़ी तो है नहीं, इतनी महंगाई काल में जो है अगर हम मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर हम 60 साल की जॉब सिक्योरिटी चाह रहे हैं, हमारी उम्र 50-60 मतलब 50-45 ऐसे हो चुकी है, कार्यक्रमों में दे चुके हैं, अब हम दूसरी जगह तो जा नहीं सकते। देखिए, अब हम पीछे कदम नहीं खींचेंगे और न हम रुकने वाले हैं, क्योंकि ये तो डराने वाली बात है भाई। हमें हमारे अधिकार, हमको अलग लड़ाई तो लड़ नहीं रहे, हक मांग रहे हैं। कोविड में जो है रात दिन काम किया हम लोगों ने और अभी भी कर रहे हैं। कोविड में हम कोई हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरीके से जो है बिल्कुल ही अनदेखी हो रही है, सबको देखा जा रहा है, केवल NHM वालों को नहीं देखा जा रहा, तो इसलिए हम हड़ताल जारी रखेंगे। राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में विरोध जारी है। विपक्षी नेताओं ने आज दिन भर सदन के बहिष्कार करने का ऐलान किया हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक राज्यसभा में विपक्ष के सभी सांसद संसद परिसर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये विरोध प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है। खड़गे ने लोकसभा के विपक्षी नेताओं से भी इस प्रदर्शन में समर्थन देने की अपील की थी। ऐसे में तमाम विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर लोकसभा के विपक्षी सांसद भी सदन का बहिष्कार करते हैं तो आज संसद की कार्यवाही चलने की संभावना लगभग कम है और ये कार्यवाही बाधित होती हुई भी नजर आ रही है। इधर शिवसेना संजय राउत ने मंगलवार को नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और बाद में जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई विपक्षी मोर्चा नजर नहीं हो सकता। राउत की टिप्पणी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने बीजेपी विरोधी गठजोड़ UPA के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। राउत और राहुल ने कांग्रेस की अगुवाई वाले UPA के बारे में भी चर्चा की। बीजेपी के पूर्व सहयोगी शिवसेना 2004 से 2014 के बीच केंद्र में शासन करने वाली UPA का हिस्सा नहीं थी। राउत ने बैठक का ब्यौरा साझा करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि दोनों नेताओं ने सप्रसंग की स्थिति के बारे में चर्चा की है।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे, न्यू ईयर और क्रिसमस को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 5 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में कहा गया कि इस दौरान रेस्टोरेंट, होटल्स, सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्टेडियम 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। साथ ही शहर में घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। वहीं बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। क्रिसमस, 31 दिसंबर और नए साल की पार्टियों के दौरान कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। इसके लिए पुलिस ने मास्क लगाना और 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। चित्रकूट में पहाड़ी थाना क्षेत्र के बालू डिग्री घाट में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की नदी में डूबकर मौत हो गई। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप माफियाओं पर लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ ये जो नदी का किनारा है और जस्ट इनका सामने जो है ये पूरा पट्टा है, ये पूरे पट्टे के सामने इनकी पूरी बालू है। ये खेत में ताकने आता था लड़का, हमेशा रोज आता था। ये पूरे गांव वालों को भी पता है कि हमेशा बालुओं के लिए मना करते थे कि यहाँ बालू ना भरें कोई भी आदमी। अब अवैध तरीके से नहीं, हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई न पुलिस प्रशासन कर दे। वो हमेशा लड़का यहाँ आता था और ये रपटा सामने से बनाकर इस बालू को उठाने का प्रयास कर रहे थे और वो लड़का मना करता था और उस लड़के को कैसे भी क्या दबा करके उसके पूरे शरीर से ब्लड ही ब्लड आ रहा है। पानी से डूबा होता तो उससे पानी निकलता, टोटल उसके ब्लड निकल रहा है। कानपुर देहात के सिकंदर तहसील के अंतर्गत आने वाले आतापुर गांव में एक घर की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। खबरों की माने तो घर में मौजूदा बच्चे जब सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तभी यह हादसा हो गया जिसमें 3 मासूम दब गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया लेकिन तब तक 3 की मौत हो चुकी थी। साथ ही 3 बच्चों के चाचा भी घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।